राज्यसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के हालात, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 साल में जितना काम किया है उतना काम करना होता तो कांग्रेस को 20 साल लग जाते। पूर्वोत्तर में स्थानीय शांति के लिए 10 साल निरंतर प्रयास किए गए हैं, बिना रुके बिना थके प्रयास किए गए हैं, उसकी चर्चा देश में कम हुई है लेकिन परिणाम व्यापक रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक पर कहा कि हम चाहते हैं कि पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति ना हो, लेकिन विपक्ष को इसकी आदत है। मैं भारत के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले, इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के बीच सीमा विवाद संघर्ष को जन्म देता रहा है और आज़ादी के बाद से ये निरंतर चलता रहा है। हम राज्यों के साथ इसे हल करते जा रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी सेवा है। हिंसा से जुड़े संगठन, जो हथियारबंद गिरोह थे, जो लड़ाई लड़ते थे, आज उनको साथ लेकर स्थायी समझौते हो रहे हैं, जिनके खिलाफ गंभीर मामले हैं वो अदालत में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। न्यायतंत्र में भरोसा बढ़ना महत्वपूर्ण बात है। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो घटनाएं घटी, 11,000 से ज़्यादा FIR की गई, 500 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में भी स्कूल, कॉलेज, संस्थान खुले हैं, जैसे देश में परीक्षाएं हुई हैं वहां भी परीक्षाएं हुई हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके सौहार्द का रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है, छोटे छोटे ग्रुपों से बात की जा रही है। गृह मंत्री वहाँ जाकर कई दिन रहे हैं, अधिकारी भी लगातार जा रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि ये हरकत बंद कर दे। एक समय आएगा जब मणिपुर ही रिजेक्ट करेगा उन लोगों को, जो लोग मणिपुर को, मणिपुर के इतिहास को जानते हैं। वो जानते हैं कि वहाँ सामाजिक संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। इस संघर्ष की मानसिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग ये ना भूलें कि इन्हीं हालातों की वजह से इस छोटे से राज्य में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। ये हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ। कुछ तो वजह होगी फिर, लेकिन फिर भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वहाँ हरकतें हो रही हैं। हमें समझदारी के साथ स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है। जो भी इससे सहयोग देना चाहे, हम सब उसका साथ लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सामान्य स्थिति को बरकरार रखने और शांति लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक पर कहा कि हम चाहते हैं कि पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति ना हो, लेकिन विपक्ष को इसकी आदत है। मैं भारत के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले, इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं।